मंगलवार दिनांक 23 मई 2023 को उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के गांव पूर्वी कांडे में श्री भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि भागवत पुराण कलयुग में सभी पुराणों में सर्वाधिक आदरणीय पुराणों में से एक है। हमेशा से भागवत पुराण कथा हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। यह वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। श्री भागवत कथा में निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, निर्गुण सगुण और व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह एक महान ग्रंथ है। भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, जिसमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। सभी पुराणों में श्री भागवत का स्थान पुराणों के क्रम में भागवत पुराण 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में से इस पुराण को महापुराण मानते हैं। वर्ती कृष्ण काव्य की आराध्या राधा का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता। इस पुराण का पूरा नाम श्री भागवत पुराण है। व्यास पंकज शास्त्री एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। बता दें कि पंडित जी नई दिल्ली अमर कॉलोनी राधे कृष्ण मंदिर में कार्यरत हैं। यह भागवत कथा ही करवाते हैं। ये ज्योतिषी का ज्ञान भी रखते हैं। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुप्रसिद्ध हैं। दूर दूर से इनके पास लोग भागवत कथा करवाने के लिए आते रहते हैं। इन्होंने देश के कई जगहों पर भागवत कथा भी करी है, जिससे लोग प्रसन्न हुए हैं और इन्हें भागवत कथा के लिए लोगों द्वारा जाता है। बता दें कि इस बार भागवत कथा मंगलवार दिनांक 23 मई 2023 को उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के गांव पूर्वी कांडे में होने जा रही है। बता दें मंगलवार दिनांक 23 मई 2023 को कलश यात्रा का आरंभ रात 10 बजे होगा। मंगलवार दिनांक 23 मई 2023 से दिनांक 29 मई 2023 7 दिन की भागवत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार दिनांक 30 2023 प्रातः 10 बजे हवन और 12 बजे भंडारा किया जाएगा। बता दें कि इस भागवत कथा का लाइव प्रसारण आप व्यास पंकज शास्त्री जी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं।